भाई ये अमरेंद्र यादव नाम है, ये खाने का भी सुरेंद्र यादव था। फोन में से एविडेंसेस डिलीट, इस सारे फोन इन्होंने डिलीट कर दिए, सारे आईटी के बैठे। आप मेरा फोन लीजिए, रिसाइकल भी कराइए, उसके सारे डेटा निकाली देखिए, इन लोगों ने मेरे साथ क्या किया, मेरे साथ क्या किया है। जब ये एक अच्छे घर परिवार की हालत है तो ये लोग पता नहीं आदमी सारे दाढ़ी रखी है ना तुमने, दाढ़ी इनके सिपाही को ऊपर, सिपाही ने इनके मुझे मारा तो मैंने इनके थाने में रिपोर्ट लिखाने आया, पूरा थाना मिलकर भैया मारा है। सर ये जो वीडियो वायरल हो रहा है थाने का, तो सर इसके लिए जांच के लिए आप कुछ दिया गया है तो क्या है सर इसमें, कुछ बताएंगे? जांच करूंगा, तभी जांच के लिए लिखा है सर ने, इसको जांच कर लूं पूरे विषय की, तभी बता पाऊंगा। अच्छा सर इसमें ये मेरी धनंजय भाई उनसे बात हुई थी विभूतिकंड एसएचओ से, तो वो क्या ये कह रहे थे कि दो दिन पहले भी शायद लड़ाई वगैरह हुई थी शायद कांस्टेबल से किसी से, वो सलिया चौराहे पे, वो बदतमीजी की थी उसने, जो मुझे पता है क्या है इनफॉर्मली जी, तो उन लोगों ने पुलिस से बदतमीजी की, उनका पुलिस ने चालान किया पहले, फिर उन्होंने पुलिस से बदतमीजी की जी। अगले दिन नेक्स्ट डे उसके बाद इन लोगों ने जब बदतमीजी की और लोगों को बुलवा करके, तब फिर उनका 151 किया गया, इतनी सी बात। अच्छा और उसके बाद क्यों तूल पकड़ाया गया है मुझे इसका आइडिया नहीं है, मुझे जांच करना पड़ेगा क्या विषय। और इसके बाद ये लोग ये आरोप है कि ये लोग थाने गए थे कांस्टेबल की शिकायत करने, उसके बाद ये मारपीट हुई रात भर, ये लोग आरोप लगा रहे कि रात भर हम लोग को बैठा दिया गया, हमारे ऊपर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। आरोप तो कोई कुछ भी लगाएगा, आरोप की पुष्टि के लिए मुझे तो जांच दी गई है, तो जांच कर लेने दो, उसके बाद बताऊंगा आपको। हाय दिस इज विद्या बालन एंड यू वाचिंग एक्सपोज्ड इंडिया।